नमस्कार दोस्तों, पी के आर एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलते हैं आज पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे संपत्ति का कितना नुकसान होने पर गंभीर दुर्घटना माना जाता है। क्वेश्चन क्या है? रेलवे संपत्ति का कितना नुकसान होने पर गंभीर दुर्घटना माना जाता है? पहला ऑप्शन है 25 लाख से अधिक, दूसरा ऑप्शन है 20 करोड़ से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 2 करोड़ से अधिक और चौथा ऑप्शन है 1 करोड़ से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे संपत्ति का 2 करोड़ से अधिक जब नुकसान हो जाता है तो उसे गंभीर दुर्घटना माना जाता है और इसकी जाँच के लिए CRS की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो रेलवे संपत्ति का कितना नुकसान होना गंभीर दुर्घटना माना जाता है? 2 करोड़ से अधिक रेलवे संपत्ति का नुकसान होना चाहिए या कम से कम एक जान जानी चाहिए, एक लोगों की या एक पैसेंजर की मृत्यु होनी चाहिए, उसे ही गंभीर दुर्घटना माना जाता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कहता है रेल दुर्घटना को कितने वर्गों में बांटा गया है। ट्रेन एक्सीडेंट को कितने वर्गों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन ACR, दूसरा ऑप्शन ACI, तीसरा ऑप्शन ACO, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, रेलवे दुर्घटना को ACR तक में तो बांटा गया है, ठीक है, लेकिन इसमें I और O जो है शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? I और ACR तक है लेकिन उसमें I और O शामिल नहीं है, तो एक नंबर आंसर भी गलत हो गया। दूसरा AI तो साफ गलत है, क्योंकि ACR तक तो बांटा गया है जिसमें I और O शामिल नहीं है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ACO, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। ठीक है, रेल दुर्घटना को ACR तक में बांटा गया है जिसमें I और O जो है जिसमें I और O शामिल नहीं है। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है सेक्शन कंट्रोलर एक समय में कितने स्टेशन कॉल कर सकता है। सेक्शन कंट्रोलर एक समय में कितना स्टेशन कॉल कर सकता है? पहला ऑप्शन 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, सभी। ठीक है, सेक्शन कंट्रोलर एक समय में उस सेक्शन में उस कंट्रोल के अधीन जितना भी स्टेशन होगा सबों को एक साथ कॉल कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ एक बटन होता है, वो बटन दबाने से जितने भी स्टेशन हैं सभी स्टेशन में रिंग होना शुरू हो जाता है और सेक्शन कंट्रोलर एक बार में सभी स्टेशन को कोई भी मैसेज दे सकते हैं। चलते हैं आगे। आगे कहता है सेक्शन कंट्रोलर द्वारा कौन सा रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन है सेक्शन कंट्रोलर द्वारा कौन सा रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जाता है। पहला है ट्रेन ऑर्डरिंग बुक, दूसरा है लोड रजिस्टर, तीसरा है इंटरचेंज रजिस्टर, चौथा है इंजन बुक। ठीक है, तो दोस्तों लोड रजिस्टर तो रहता है, ठीक है, कारण कि आप देखिएगा या तो मॉर्निंग में या तो इवनिंग में कंट्रोलर जो होता है वो हर एक स्टेशन कॉल करते हैं और हर एक स्टेशन से यार्ड पोजीशन मांगा जाता है, स्टॉप मांगा जाता है कि आपके यहाँ कितनी गाड़ी है, किस लाइन पे कितनी गाड़ी है। ठीक है, तो लोड रजिस्टर तो रहता है। ठीक, दूसरी बात इंजन बुक भी रहता है, किस गाड़ी में क्या इंजन लगाया गया है इसका रजिस्टर वहाँ रहता है। दूसरा इंटरचेंज रजिस्टर, इंटरचेंज रजिस्टर भी रहता है। ठीक है, तो एक नंबर जो है ट्रेन ऑर्डरिंग बुक ये शायद नहीं रहता है, हम भी कंफर्म नहीं है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ट्रेन ऑर्डरिंग बुक, ट्रेन मेरे हिसाब से ट्रेन ऑर्डरिंग बुक जो है ये डिविजनल मुख्यालय में होना चाहिए, सेक्शन कंट्रोलर में ये नहीं होना चाहिए, हम भी कंफर्म नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है जब मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तब दुर्घटना में शामिल वैगन को खाली कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है। कोई भी ट्रेन है, एक्सीडेंट, कोई भी मालगाड़ी है, ठीक है, एक्सीडेंट कर गया तो बहुत सारे मालगाड़ी क्या होता है कि बेपटरी हो जाते हैं, गिर जाते हैं, खेत में चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, तो वो जो वैगन जो होता है जो दुर्घटना में शामिल होता है जो गिर गया है पलट गया है उसको कौन खाली कराता है, किस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है CSC या डिप्यूटी CSC स्टॉक, यानी स्टॉक से रिलेटेड जो है चीफ कंट्रोलर या डिप्यूटी चीफ कंट्रोलर उनका काम है। दूसरा CNW कंट्रोल का काम, तीसरा कॉमर्शियल कंट्रोल का काम, चौथा इंजीनियरिंग कंट्रोल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉमर्शियल कंट्रोल का काम है। ठीक है, किसी भी दुर्घटना में जब मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो दुर्घटनाग्रस्त वाहन को खाली कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है? कॉमर्शियल कंट्रोल की होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है मालगाड़ी आदेश देने वाले संदेश को क्या कहा जाता है।
मालगाड़ियां आदेश देने वाले संदेश को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन कंट्रोल ऑर्डर, दूसरा ट्रेन नोटिस, तीसरा सीसी मैसेज, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेन नोटिस। ठीक है, मालगाड़ी आदेश देने वाले संदेश को क्या बोला जाता है? ट्रेन नोटिस। मालगाड़ी आदेश देने वाले संदेश को ट्रेन नोटिस बोला जाता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, पावर प्लांट के लिए आवश्यक इंजन की संख्या क्या दर्शाता है? पावर प्लांट के लिए आवश्यक इंजनों की संख्या क्या दर्शाता है? पहला कोचिंग सर्विस, दूसरा फ्रेट सर्विस यानी मालगाड़ी सर्विस, तीसरा पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन, चौथा नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो पावर प्लांट के लिए आवश्यक इंजन की संख्या फ्रेट सर्विस दर्शाता है। ठीक है, पावर प्लांट फ्रेट सर्विस के लिए आवश्यक इंजनों की संख्या दर्शाता है। समझ गए, पावर प्लांट फ्रेट सर्विस के लिए आवश्यक इंजन की संख्या दर्शाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, लोको आउटेज तैयार किया जाता है, लोको आउटेज तैयार किया जा सकता है किसके द्वारा? पहला ऑप्शन सर्विस वाइज, दूसरा सेट वाइज, तीसरा ट्रैक्शन वाइज, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, लोको आउटेज सर्विस वाइज भी तैयार किया जा सकता है, सेट वाइज भी तैयार किया जा सकता है, ट्रैक्शन वाइज भी तैयार किया जा सकता है। समझिए, लोको आउटेज सर्विस वाइज, सेट वाइज और ट्रैक्शन वाइज तीनों के द्वारा तैयार किया जा सकता है। आज का अंतिम सवाल है, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है मालगाड़ी की ऑर्डरिंग रद्द नहीं किया जा सकता है, दूसरा मालगाड़ी की पुनः ऑर्डरिंग नहीं किया जा सकता है, चौथा मालगाड़ी की ऑर्डरिंग को पुनर्निर्धारण तथा विलंबित किया जा सकता है, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा मालगाड़ी की ऑर्डरिंग विलंबित तथा पुनर्निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है कि मालगाड़ी की ऑर्डरिंग रद्द नहीं किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। ठीक है, मालगाड़ी की ऑर्डरिंग को रद्द किया जा सकता है, मालगाड़ी का पुनः ऑर्डरिंग भी किया जाता है। ठीक है, मालगाड़ी की ऑर्डरिंग को रद्द भी किया जाता है, पुनः ऑर्डरिंग भी किया जाता है। समझ गए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मालगाड़ी की ऑर्डरिंग को पुनर्ऑर्डरिंग या पुनर्निर्धारण तथा विलंबित किया जा सकता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले PKR एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल घंटी बजा दें, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो तथा मज़ेदार वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, हम आपसे विदा चाहते हैं।